अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने तमाम पेट्स का ओवरव्यू दिखाती हूँ। ये है हमारे रिंग नेक का एक जोड़ा, ये मेल है और इसकी फीमेल वो है। ये हैंड टेम है, हाथ पे आता है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ अपडेट एक एक करके बना के ना देती रहूँगी। ये मेरा एक पेयर ब्लैक कॉकटेल का है, इन्होंने बेबीज दिए हुए हैं। इनके बेबीज आपको शो करवाते हैं, माशाल्लाह से इनके बेबीज। ये इनकी सॉफ्ट फूड है। ये मेरे फिशर का बड़ा पेयर है, इसने माशाल्लाह से 4 बच्चे दिए हैं। अब दोबारा ये जा रहा है, कुजी में आ रहा है। वो मैंने ना उसमें शिफ्ट कर दिया, इसकी कॉलोनी बनाई हुई है फिशरों की, उसमें मैंने शिफ्ट कर दिए हैं। ये मेरा वाइट कॉकटेल का एक पेयर है, ये भी ब्रीडर पेयर है। बॉक्स में जाता है और आता है बस। ये मेरा डब का एक पेयर है, ये भी मेरा माशाल्लाह से ब्रीडर पेयर है, इसने बच्चे निकाल दिए हैं। इसके नीचे एक बेबी है, इसका ऐसा नज़र आ रहा है। और ये सारी जावा फिंच है। ये एक फिंच इसमें जोड़ा ऐसा है जो मुझे इसका नाम नहीं आता, अगर किसी को इसका नाम आता हो तो कमेंट्स में मुझे नाम इसका ज़रूर प्रेफर करें। ये जावा के बच्चे हैं एक जोड़े के। ये मेरा स्ट्रॉबेरी फिंच का जोड़े हैं। ये एक जगह पे बैठ नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम है बस। इन्होंने अपनी नेस्टिंग वगैरह सब कुछ की हुई है। ये देखिए, मैंने इसको अंडे के छिलके रखे हुए हैं, बड़े शौक से ये अंडे के छिलके खाते हैं। और ये ओवरव्यू, ये फिंचेस जो हैं ये पौधे और ग्रीनरी में बड़ी शौकीन है इसकी। ये देखिए, ये मैं लटकाई रेल भी लटकाई हुई है इनके लिए। ये मेरे जावा फिंच का एक जोड़ा है, ये बड़ा फाइट करता है इसलिए इसको अलग एक पिंजरे में रखा हुआ है। ये ब्रीडर पेयर है माशाल्लाह से, इसने पहले भी 2-3 दिए थे, अभी इसमें है, लेकिन ये बाद में और भी देंगे। ये मेरे बजीज हैं रेड आई। ये देखिए, ये देखिए बजीज, ये भी हैं कुछ कुजियों में हैं। ये देखिए, और ये मेरे लव बर्ड्स की कॉलोनी है, फिशर हैं, अल्बाइनो हैं, लटीनो हैं। ये सब कुछ कुजियों में है। वो देखें लटीनो भी माशाल्लाह, ये ब्लैक मूव भी है इसमें। ये देखिए, मेरे ख्याल में लुटीनो का पेयर भी है और वो बॉक्स में है। ये एक दरख्त इनमें रखा हुआ है, ये इसको छील छील के सारे को ले जाते हैं अंदर। ये नेस्टिंग इसी से ही करते हैं। ये देखें,
ये ब्लैक टेक डेल का पेयर है एक। ये मेरा एक तीतर है इसमें। ब्लैक लगा, व्हाइट लगा, और ये एक डब का पेयर है। ये इनको गर्मी से बचाने के लिए फैन लगाया हुआ है। और ये मेरा ओवरव्यू है छोटा सा, बाकी इनकी गाइडलाइन साथ साथ देती जाऊंगी। बस इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा बस, और मेरे साथ मेरा हौसला अफजाई करनी होगी।